नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। ये जगह देख लीजिए आप, नेशनल हाईवे 31 मामू भांजा, जो कि बीते समय पहले ये खौफ का सबब हुआ करता था। लोग यहां दिन के उजाले में लोगों से छिपने हुआ था। बीते रात यहां पर लगभग 8 बजे ही कुछ लोगों से साथ छिपने हुआ, मोटरसाइकिल से जाने वाले लोगों को रोक करके उनके साथ छिपने हुआ है। मैं उन लोगों का कुछ बयान दिखा देता हूँ आपको, जो लोग कि यहाँ से गुजरे हैं लेकिन वो थाने में जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। उनका कहना है कि थाने में जाने से होता क्या है, और आवेदन के साथ कुछ चढ़ावा देना पड़ेगा और बात तो वहीं सिफर पर अटक जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए समझना होगा, ये जगह जहाँ पर आप शोरूम देख सकते हैं, स्कूल देख सकते हैं, दरगाह में जहाँ 24 घंटे आदमी रहते हैं, एक बाजार का रूप ले रखा है। लेकिन बीते ज़माने से ये जगह पहले भी खौफ का सबब होता था। क्या ऐसा सरकार हो गया है, ऐसी व्यवस्था हो गई है, प्रशासन का खौफ खत्म हो गया लोगों के अंदर से कि इस जगह पर फिर वो जगह शुरू हो गया, ये मामू भांजा अब फिर खौफ का सबब बनेगा, क्या फिर लूटपाट होगा? इसके उस साइड में बचने वाले गांव के बारे में पता होगा, रेलवे के उस पार पर अक्सर देखा जाता है कि उन गाँव के लोग यहाँ पर रहते हैं दिन के उजाले में, बेवजह भी यहाँ भीड़ लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन लूट का जो ड्रामा है, ये ड्रामा चलता है तो ठीक बात नहीं है। प्रशासन के लिए इस जगह को देख लीजिए, चिन्हित कर लीजिए। पेट्रोलिंग की गाड़ी यहाँ से छूटती है और वसूली केंद्र पर जाके खड़ा हो जाता है। इधर वसूली केंद्र इनियर और उधर वसूली केंद्र आपको पता होगा, जो बलिया से बाहर निकल करके। लेकिन इस जगह पर जो बीच में बलिया का दिल है, उस जगह पर आप रात में छिनवे कर लेते हैं 8 बजे, ये मुनासिब बात बिल्कुल नहीं है। यदि समझ में आता है तो आप समझ लीजिए, उन लोगों को सुन लीजिए। यदि प्रशासन को लगता है तो उनको खोज करके मिल लीजिए आप, कि जो लोग कर रहे हैं, जिनको रोक करके पत्थर मारा गया और छीना गया, और वो चुपचाप घर इसलिए चले जाते हैं कि प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और वो प्रशासन को आवेदन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि प्रशासन का आवेदन देने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो महसूस कीजिए और अपना योगदान दीजिए और समझिए ये बंद कैसे होगा। क्या नाम हुआ है? नाम क्या है? दिनेश कुमार। क्या हुआ था, कैसे फूल गया है? तू कहीं बोलो ना। आ रहे थे रोड से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, चार को मतलब पीछे पड़ गया, वो गाड़ी को ऐसे ऐसे रोक रहा था, ये गाड़ी नहीं रोका, आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा कि वो मार दिया पत्थर। कहाँ पे घटना घटा? ये मामा भगना जो रोड है मोड़ पर, उसी जगह मामा भगना मोड़ के पास। मोड़ के पास यानी आप शिवम इंडियन गैस एजेंसी के पास, या फिर आप आगे बढ़ के जो है वो जो मोड़ बाबा मंदिर जस्ट मोड़े के बगल में, मोड़ जो घूमता है ना वहीं पर, उस तरफ से इस तरफ जहाँ आते हैं। हाँ, उस तरफ से इस तरफ आ रहे थे। अच्छा, उसी में वो जय गाड़ी थोड़ा सा आगे हुआ कि वो पत्थर मार दिया। अच्छा। हमारे कनपट्टी में लग गया। तो देखे थे कितना लड़का था? चार लड़का था। क्या क्या चीज़ से था? मोटरसाइकिल था, फोर व्हीलर था, क्या चीज़? उसको गाड़ी हम नहीं देखे थे, गाड़ी नहीं देखे। वो पैदल तीन को उधर खड़ा था। हाँ। एक आदमी इधर मतलब हाँ। वो पत्थर लेके वो रोक रहा था ऐसे ऐसे हाथ करके। हाँ। उसी में मतलब पत्थर चला दिया, जो गाड़ी आगे बढ़ा कि वो पत्थर चला दिया, जो रोक रहा था वही पत्थर चला, वही चलाया। चलो, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। पिता का नाम? श्री राम कुमार। घर कहाँ है? गोखले नगर, विष्णुपुर। अभी कहाँ रहते हैं? भगतपुर में। भगतपुर में।